हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज की खबर का असर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 3 दिन पहले ही शपथ ली थी। मेवालाल ने आज ही शिक्षा मंत्री का पद संभाला था। मेवालाल पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी रहते हुए घोटाले का आरोप लगा है। 2016 में एबीपी न्यूज ने किया था मेवालाल के घोटाले का खुलासा। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप है। पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश नाकाम। जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। चावल से भरे ट्रक में छिपकर श्रीनगर जा रहे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने ट्रक को उड़ाया, सभी आतंकी ढेर हुए। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकियों के पास 11 AK-47 और 29 ग्रेनेड समेत बड़े हथियार बरामद। सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकियों के सारे प्लान फेल हुए। गोलियों से बचने के लिए ट्रक में रेत की बोरियों से बनाए गए थे बंकर। पाकिस्तान में आतंक के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई। एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज को 10 साल की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीती रात पाकिस्तान की कायराना हरकत। रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, घरों पर दागे मोर्टार, एक महिला घायल हुई। श्रीनगर में सेना के शहीद निखिल शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। परसों 17 नवंबर को सेना के कैंप पर बर्फ की चट्टान गिरने से शहीद हुए निखिल शर्मा। दिल्ली में मास्क पर केजरीवाल सरकार का कड़ा फैसला। दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में कोरोना से बेकाबू होते हालात। कल दिल्ली में 131 लोगों की मौत हुई, 7,500 से ज्यादा केस आए। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों पर हाईकोर्ट ने पूछा, देर से क्यों जागी दिल्ली सरकार। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। योगी बोले, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया देश की एकता से खिलवाड़ है। कांग्रेस 370 वापस लाने की साजिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बड़ा बवाल। कूचबिहार में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका। 5 मजदूरों की मौत, कई घायल हुए। ममता सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। मुंबई में कराची बेकरी पर एमएनएस ने जताई आपत्ति। कहा, दुकान से पाकिस्तान के शहर का नाम हटाए। बेकरी के मालिक ने लीगल नोटिस भेजा।